हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं स्वाति आपके साथ। तो चलिए, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी का बयान है। वैसे उनके बयान तो बहुत ज़्यादा फनी होते हैं, तो लेकिन आज कुछ अलग सा टाइटल है। कराची वाले अपनी हिफाजत खुद करें, मुफ्ती तारिक मसूद जी का बयान है। कराची वाले अपनी हिफाजत खुद करें, ऐसा ऐसा इन्होंने क्यों कहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर समझेगा हमें क्या बात है। तो सिंध का हाल बर्बाद हो गया। इसका एक ही हल है कि रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं, ऑन द स्पॉट बंदा मारने की मुकम्मल परमिशन दी जाए। जब रेंजर्स को इख्तियारात दिए थे कराची में, आपको पता है, एक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया, बत्ते बत्ते सब खत्म हो गए थे कराची में। लेकिन गवर्नमेंट ये इख्तियारात नहीं देती क्योंकि इनके अपने बंदे डकैतियों में मुलव्वस होते हैं। आई बात समझ में? मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट में सबके बंदे होते हैं, लेकिन बहुत सों के होते हैं, वो खुद मुलव्विस होते हैं, भत्ते चल रहे होते हैं। ये इलाके जैसे भिखारियों के इलाके डिवाइड होते हैं ना, यहाँ से दादागिरी, भाई ये दुकानों के भत्ते मेरे मेरे पास जाएंगे, ये इलाका मेरा है, मोबाइल स्नैचिंग यहाँ मैं करूँगा, उसके सारे पूरा सेटिंग होती है। तो आखिरत ना होती तो ये अल्लाह की तरफ जुल्म की निस्बत थी। अल्लाह दुनिया में तो इंसाफ मिलता नहीं है, तो भी मार के ख़त्म कर देता है सबको, मिट्टी करके बराबर कर देता है। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ज़ालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को उससे बेखबर मत समझो। अल्लाह गाफिल नहीं है उससे। कैसे वो बूढ़ा बाप बेचारा कितने दिन रोता रहा यहीं हमारे साथ, आपको भी आपने भी देखा होगा ना, इकलौता बेटा उसका, इकलौता ही है ना, इकलौता बेटा था उनका, जवान लड़का शहीद कर दिया, बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर। तो इंशाल्लाह ये सारा सवाब गवर्नमेंट के खाते में भी जा रहा है, जो असेंबलियों में बदबख लोग बैठे हुए हैं उनके खाते में भी जा रहा है इंशाल्लाह ये सारा अजाब, बिल्कुल टस। जब तक इनका अपना कोई बंदा नहीं मरेगा, मुझे याद है एक मुल्क का नाम नहीं मैं लेना चाहता, उसका अपना बेटा जो है ना बादशाह का, वो शहजादा नशे में मर गया, फौरन उस कंट्री में नशे पर पाबंदी लगा दी गई, अपना बंदा मरा है उनका नशा करके। कोई डाकू जब इनको पकड़ेगा, इनको छीनेगा शायद थोड़ा सा कुछ, वरना ये अवाम मरती रहे, अवाम बहुत ज्यादा हो रहा है कराची में, बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा, हर हफ्ते की रिपोर्ट है। और मेरे भाई आप भी लाइसेंस बनाओ, असलहा रखो, अपना डिफेंस करो खुद, गवर्नमेंट से आप उम्मीदें ना लगाओ। देखो मैं डिफेंस का एक तरीका बताता हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो लाइसेंस रखें, कानूनी असलहा रखें, खास तौर पे जो दुकानों पे बैठे हुए लोग, होना ये चाहिए कि एक शॉप पे अगर डकैती हो रही है तो दूसरे सामने वाले के पास पिस्टल होनी चाहिए, ये आपका कानूनी हक है, आप उस वक्त फायर खोल सकते हैं, उस वक्त ये इलीगल नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? अब आवाम भी ऐसी बुजदिल बन गई है, दो बंदे आके पूरे बाजार को लूट रहे होते हैं, बाकी तमाशा देख रहे हैं। हम बचपन में पंजाब जाया करते थे, वहां डकैती का इम्कान ही नहीं था, वहां वजह यह थी कि अक्सर लोगों के पास असलहा होता था, कोई अगर गन पॉइंट पे कुछ छीन रहा है तो लोग जाने नहीं देते थे उसको, इधर से भी बंदा आ गया वो हाथों से ही पकड़ लेते थे, ठीक है ना, इतने सारे लोगों को कौन। तो ऑन द स्पॉट कोई बंदा अगर कत्ल की कोशिश कर रहा है, आप डिफेंस में बंदा अपनी जान बचाने के लिए मार सकते हैं, लेकिन लोग मारते क्यों नहीं है? एक तो इसलिए कि असलहा नहीं है, नंबर दो मारने में डर ये है कि हमने यहां से मारा, कोई इसका दूसरा छुप के बैठा हुआ है, वो वहां से फायर खोल देगा। तो जब सब लोग एक कम्युनिटी बन के सब अपने डिफेंस करेंगे कि भाई यहां किसी भी दुकान पे कोई कोई स्नैचिंग का वाकया होता है या इस गली में कुछ होता है, तो हम सब ने मिलके उस डाकू को किसी ने भी भागने नहीं देना, तो ये खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट से आप उम्मीदें ना। मैं भी अंदरूने सिंध गया हूं तो हाल जो मैंने देखा है बहुत बुरा हाल है, गरीबों का हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, जो गरीब इलाके हैं ना सिंध के, बाज लोगों ने सड़कें वड़के बना दी अच्छी, चलो अल्लाह
जिन्होंने बनाई है अल्लाह उनको जजाए खैर दे, लेकिन अंदर के हालात बहुत ख़राब हैं भाई। खैर आप की जाने, आप हमारा तो ये टॉपिक और मौजू है नहीं, क्या करें, हम तो भी इसी शहर के ही हैं ना, बासी हैं इस शहर के, तो हमें अब तो अपनी भड़ास तो हम यही निकालते हैं। आपको पता है मौलवी लोग सारी अपनी टेंशन मिंबर पे निकालते हैं। वैसे अगर आपको कराची का मसला कुछ समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। वैसे मुझे तो लगता है यहाँ पे डकैती या दादागिरी, हमारे मराठी में बोलते हैं, ये ज़्यादा होता होगा, इसलिए इन्होंने कहा है कि हम अपनी खुद की सुरक्षा, खुद की रक्षा खुद करना चाहिए, और हर एक के पास गन होनी चाहिए। अगर सामने वाली दुकान में कोई डकैती कर रहा है तो पीछे से आकर हम उन पे मतलब गन फायर, मतलब वैसे तो नहीं कर सकते, ये तो इलीगल होता है। मुझे पाकिस्तान का कुछ नहीं पता, वहाँ पे कैसे होता है ये सब, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब हमारे इंडिया में ऐसा गन वगैरह इलीगल होता है जो हम नहीं ले रख सकते अपने पास, और ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ डकैती वगैरह या कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन कराची में अगर करता हो तो लोगों को भी अपना हक बनता है अपने आप की सेफ्टी के लिए हम कुछ ना कुछ करें और आगे बढ़े। तो आपको इस वीडियो में, वैसे मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।